से आपने अपने अंतर हृदय से जो बात इस पर्यावरण संरक्षण के लिए कही वो काबिल तारीफ। बहुत सारे युवाओं द्वारा आज के इस सम्मेलन में अपनी बात रखने के लिए हमें जो सूचित किया गया है आपको विश्वास दिलाते हैं। समय का ध्यान रखते हुए आपका भी इस मंच की ओर से उद्बोधन का समय आपको अवश्य प्रदान करेंगे। मैं हमारे बीच हरियाणा से प्रभारी अधिवक्ता राकेश कुमार जी आपसे निवेदन रहेगा कि आए और आज के इस सम्मेलन को संबोधित कराएं। आदरणीय राकेश जी। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। सभी को सादर नमन प्रणाम जी। मैं हरियाणा में सदरपुर गांव से हूँ। आदापुर में मेरा निवास है और चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में 15 वर्षों से अधिवक्ता हूँ। दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय में भी आना हुआ है क्योंकि मतलब हमारा इस भारत भूमि पर जन्म होना और मनुष्य के रूप में जन्म होना और उसके पश्चात विश्वी धर्म में हमारा जन्म होना ये निश्चित ही हमारे कई जन्मों के पुण्य का ही प्रतिफल है। इसके बाद में एक कार्यक्रम लगभग 20 वर्ष पहले श्रीमती मेनका गांधी जी हमारे हरियाणा में आए थे बड़ोपल के पास। तो वहाँ एक अभयारण्य रूप में बना रखे 180 एकड़ की जगह है। तो उसमें मैं 20 वर्ष छोटा था आज से तब मैंने उनको सुना। उन्होंने ये बताया अपने मुंह से भी आप जो विश्वी लोग हैं 363 का गीत गाते रहते हो मतलब उन 363 के पश्चात आप लोगों का क्या योगदान। तो वो बात मैंने अपने हृदय में बसाई और उसके बाद में मैं पूरे भारत वर्ष में उस दिन का निकला हूँ और पर्यावरण के विषय में सभी जगह मेरा जाना होता है। अनुराग भाई साहब ने भी बहुत कुछ बताया उन सभी जंगलों में प्रभु की कृपा से मुझे जाने का अवसर मिला और हम उन जंगलों में मतलब 20-20, 30-30 लोग जाकर के भी उन बड़े 5-5 लाख वृक्षों के जंगल को बचाने में प्रभु कृपा से हम कामयाब रहे। तो हम लोगों में असीमित शक्ति है। हम लोगों को संगठित होकर के जैसे आज विशेष भाई साहब ने ये जो कार्यक्रम किया है इस संगठन ने किया है मतलब दिल्ली में कार्यक्रम के विषय में सोचना ही अपने आप में एक नया विषय हो सकता है। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पे ले जाने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपना विषय जाना भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी भी इस विषय को ले जा रहे हैं। इसी के अनुरूप हमने पिछले 11 सितंबर को मैं इस राष्ट्रीय जंगल एवं प्रकृति बचाओ अभियान का सदस्य भी हूँ और हमने एक राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मंच का निर्माण किया यहाँ दिल्ली में। लगभग उसमें 8 राज्यों का प्रतिनिधित्व था राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मंच के नाम से। उसी दिन हमने उसमें पारित करके 11 सितंबर को भी हमारा 11 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण मंच होना चाहिए। उसके लिए हमने पर्यावरण मंत्री जी से भी अप्रोच किया, राष्ट्रपति जी को भी हमने लिख के पहुंचाया और संघ के माननीय श्री गोपाल जी पर्यावरण के अखिल भारतीय प्रमुख है उनसे भी मेरा मिलना हुआ था तो उन्होंने इस विषय में सहमति प्रदान करी। संघ के लोग क्या मैं भी संघ का स्वयं सेवक हूँ पिछले 42 वर्षों से। तो संघ के लोग आमतौर पे विषय को सुन लेते हैं लेकिन सुनने के बाद में जो हम सभी विश्वियों को इस विषय में और संघर्ष भी करना होगा। अलग अलग पटल पर हम इस विषय को अगर बार बार रखते रहेंगे हमारे नेताजी है माननीय जसवंत सिंह जी इनका भी बड़ा अच्छा प्रभाव है और अपने पर्यावरण का कार्य श्रीमान आर के जी देख रहे हैं और पारस भाई साहब है और इधर बहन जी है संध्या जी प्रतिमा जी। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा प्रश्न करके ये विषय हम आगे रखेंगे तो निश्चित रूप से हमें इसमें विजय मिलेगी। और ये केवल पर्यावरण विषय विश्वी समुदाय का नहीं है आज पूरे विश्व समुदाय का है। आज हम जैसे आज मेरे देखने में आए ये मतलब आप परिवार ही बैठे हैं कोई बाहर के लोग को है नहीं कि हम पर्यावरण का विषय कर रहे हैं तो उसमें ये प्लास्टिक भी आ रहा है जो ये प्लास्टिक की बोतलें आप प्रयोग कर रहे हैं। इस प्लास्टिक का मुझे विषय को जानने का मिला